लेक्चर नंबरिटेंस इन हाइबर नेट सो लेटे गेट स्टार्ट नाउ एक्चुअली देर आर थ्री इनहरिटेंस स्ट्रेटीज इन हाइबर नेट हाइबर नेट तीन इन्हेरिटेंस स्ट्रेटजीज हमें प्रोवाइड करता है कहने का मतलब है कि यदि हम जो बीन क्लासेस बनाते हैं हाइबरनेट एप्लीकेशन में वह बीन क्लासेस इनहेरिटेंस में है तो यदि बीन क्लासेस इनहेरिटेंस में है उनको मैनेज करने के लिए हाइबरनेट जो है वह तीन स्ट्रेटजीज देता है फर्स्ट है टेबल पर क्लास हैरार की सेकेंड है टेबल पर सब क्लास और थर्ड है टेबल पर कंक्रीट क्लास तो ये तीन इनहेरिटेंस स्ट्रेटजीज है अब इन तीनों इनहेरिटेंस स्ट्रेटजीज में सबसे पहले हम टेबल पर क्लास हैरार की डिस्कस करेंगे यह स्ट्रेटजी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और बाकी की दो स्ट्रेटजीज हम uh, अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट फ्यू थिंग्स अबाउट टेबल पर क्लास हैरार की स्ट्रेटजी द फर्स्ट थिंग इज ओनली वन टेबल इज क्रिएटेड फॉर ऑल बीन क्लासेस इन इनहेरिटेंस यहाँ पे यदि आप इस पहली स्ट्रेटजी के लिए जाते हो तो उसमें यदि बीन क्लासेस आपके पास में है और वो इनहेरिटेंस में है जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देखें एम्प्लॉय एक बीन क्लास है और इस एम्प्लॉय बीन क्लास की दो सब क्लासेस है मैनेजर और क्लर्क तो यहाँ पे ये जो तीन बीन क्लासेस है एम्प्लॉय मैनेजर और क्लर्क वह इनहेरिटेंस में है जावा के साइड से ये हरर्कल इनहेरिटेंस है कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो इनहेरिटेंस है वह सिंगल इनहेरिटेंस है या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है या सिंगल इनहेरिटेंस है जो पहली स्ट्रेटजी आप यूज़ करोगे तो उस केस में सभी बीन क्लासेस जो कि इनहेरिटेंस में है उनके लिए सिर्फ एक टेबल क्रिएट होगा पहली चीज और दूसरा क्या ये जो बीन क्लासेस उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है सुपर क्लास uh, की प्रॉपर्टीज और सब क्लास की प्रॉपर्टीज uh, इन सभी के लिए जो कॉलम्स क्रिएट होंगे वह उसी सिंगल टेबल में क्रिएट होंगे जैसे यहाँ पे देखें कि एम्प्लॉय जो कि सुपर क्लास है उसमें तीन प्रॉपर्टीज है आईडी नेम और सैलरी तो यहाँ पे आईडी नेम और सैलरी कॉलम क्रिएट हुए ई एम पे टेबल में ही उसके बाद में मैनेजर जो सब क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज है डी ए टी ए तो डी ए टी ए के लिए भी कॉलम्स इसी टेबल में बने और क्लर्क जो कि सब क्लास है उसकी एक प्रॉपर्टी एच आर ए तो इस सब क्लास एच आर ए प्रॉपर्टी के लिए भी जो कॉलम है वह इसी टेबल में बने अब चूंकि यहाँ पे सिर्फ एक टेबल है और उसमें सभी बीन के रिकॉर्ड स्टोर होंगे तो यहाँ पे कि कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड किस ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है किस बीन क्लास के ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है उसके लिए एक, एक एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट होगा जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटर कॉलम ये जो डिस्क्रिमिनेटर कॉलम है यह ये पता करने के काम में आता है कि कोई जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड है पर्टिकुलर रो है वह किस बीन क्लास के ऑब्जेक्ट को बिलोंग करेगा जैसे यहाँ पे देखें टाइप में मैंने लिखा है एमजीआर और सपोज एमजीआर हमने स्पेसिफाई किया हुआ है मैनेजर क्लास के लिए तो जो पहला रिकॉर्ड है वह मैनेजर क्लास को बिलोंग करेगा सेकेंड में सीएल लिखा हुआ है और सपोज सी हमने स्पेसिफाई किया हुआ है क्लर्क के लिए तो सेकेंड रिकॉर्ड जो है वह क्लर्क क्लास के ऑब्जेक्ट को बिलोंग करेगा इस तरीके से तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम डिस्क्रिमिनेटर कॉलम यूज करना पड़ेगा फाइन हालांकि ये जो डिस्क्रिमिनेटर कॉलम है सुपर क्लास uh, की एक प्रॉपर्टी भी हो सकता है यदि आप चाहो तो टाइप प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख सकते हो इनके से यदि रिक्वायरमेंट है तो नाउ नेक्स्ट थिंग अबाउट दिस स्ट्रेटजी इज नॉट नल कैन नॉट बी सेट टू सब क्लास प्रॉपर्टीज जो सब क्लास की प्रॉपर्टीज होती है जैसे यहाँ पे मैनेजर सब क्लास है उसकी प्रॉपर्टी है डीए टी ए और क्लर्क भी एक सब क्लास है उसकी प्रॉपर्टी है एच आर तो ये जो डी ए टी और एच आर ए कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट होंगे इन कॉलम्स के साथ में आप कभी भी नॉट नल कंस्टेंट नहीं लगा सकते क्यों नहीं लगा सकते क्योंकि यदि मान के चलिए कोई रिकॉर्ड मैनेजर का रिकॉर्ड है तो उस केस में एच आर ए नल होगा और यदि कोई क्लर्क का रिकॉर्ड है तो उस केस में डी ए और टी ए नल होगा इसीलिए कभी भी जो सब क्लास प्रॉपर्टीज के लिए कॉलम क्रिएट होते हैं उन कॉलम के लिए आप नल कंस्टेंट नहीं लगा सकते एक तरीके से कह सकते हो यह इस स्ट्रेटजी का डिसएडवांटेज है फाइन सो सो MySQL डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं सो so, टेबल्स मैंने कमांड दी यहाँ पे कोई टेबल अभी क्रिएटेड नहीं है नाउ वी आर कमिंग बैक टू द Eclipse, अब Eclipse में बीन क्लासेस ऑलरेडी क्रिएटेड है मैं यहाँ पे प्री क्रिएटेड हाइबरनेट प्रोजेक्ट यूज कर रहा हूँ जैसा कि हम हर वीडियो में करते भी आ रहे हैं क्योंकि शुरू के वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हाइबरनेट एप्लीकेशन यदि आपको Eclipse में बनाना है तो वो कैसे क्या बनाओगे सो so, यहाँ पे हम प्री क्रिएटेड हाइबर प्रोजेक्ट यूज करेंगे उसमें इवन बीन क्लासेस भी मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है इसका भी आप जानकारी रखते हो डेट्स वाई सो एक एम्प्लॉय बीन क्लास हमने क्रिएट किया है जिसमें प्रॉपर्टी है आई डी नेम और सैलरी ओके यहाँ पे ध्यान ये देना है कि आपको जो नॉर्गमेंट कंस्ट्रक्टर है वह रखना है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रखना जिसमें सभी प्रॉपर्टीज एज ए पैरामीटर हो देन सेटर गेटर्स क्रिएट की होनी चाहिए एंड देन टू स्ट्रिंग मेथड इज देवर ओवर एंडर फाइन सो दिस इज वट अबाउट द एम्प्लॉय बीन और फिर एक मैनेजर बीन है मैनेजर बीन ने एक्सटेंड किया हुआ एम्प्लॉय को और उसमें दो प्रॉपर्टीज है इसमें भी आपको नो आर्गोमेंट कंस्ट्रक्टर बनाना है और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ध्यान दें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज आई डी नेम सैलरी और सब uh, क्लास की डी ए टी ए प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए उसके बाद में सभी प्रॉपर्टीज के लिए गेटर सेटर मेथड्स बनी हुई है और यहाँ पे भी मैंने टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइट कर दिया अब ये जो टू स्ट्रिंग मेथड है मैनेजर की ये एम्प्लॉय की टू स्ट्रिंग मेथड को भी कॉल कर रहा है बाई कॉलिंग द सुपर डॉट टू स्ट्रिंग और डी ए टी ए को प्रिंट करवाने के लिए भी uh, यहाँ पे हमने कोड uh, लिखा हुआ है नेक्स्ट क्लर्क क्लास भी हमने क्रिएट किया क्लर्क ने भी एक्सटेंड किया हुआ एम्प्लॉय को जिसमें एक प्रॉपर्टी है नो कंस्ट्रक्टर भी है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हमने आईडी नेम सैलरी जो कि एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज है वह भी लिखे हुए हैं और सब क्लास के सारे प्रॉपर्टी भी नेक्स्ट

यहाँ पे सिंस हमारी जो तीनों क्लासेस है एम्प्लाई मैनेजर और क्लर्क वह इनहेरिटेंस में है तो सबसे पहले आपको यहाँ ये बताना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर इनहेरिटेंस के लिए आप कौन सी इनहेरिटेंस स्ट्रेटजी यूज करना चाहते हो क्योंकि हाइबरनेट ने तीन इनहेरिटेंस स्ट्रेटजीज दी है उन तीनों इनहेरिटेंस स्ट्रेटजीज में से आप कौन सी इनहेरिटेंस स्ट्रेटजी यूज करना चाहते हो तो सपोज हम पहली इनहेरिटेंस स्ट्रेटजी यूज़ uh, करना चाहते हैं जिसमें सिंगल टेबल बनता है तो उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा यूजिंग द नोटेशन दैट इज एट द रेट इनहेरिटेंस तो मैंने एम्प्लॉय क्लास के साथ में एट द रेट इनहेरिटेंस अ नोटेशन लिखा अब यहाँ पे उसके बाद में आप स्ट्रेटजी स्पेसिफाई करो उसके लिए स्ट्रेटजी एट्रीब्यूट मैंने लिखा एंड देन कौन सी स्ट्रेटजी आप यूज करना चाहते हो तो जो पहली इनहेरिटेंस स्ट्रेटजी है जिसका कि नाम है टेबल पर क्लास हैरार की उसके लिए जो आपको वैल्यू सिलेक्ट करना है दैट इज सिंगल सिंगल टेबल टेबल ओके ये आपको करना है तो सिंगल टेबल मैंने यहाँ पे लिखा सिंगल टेबल के थ्रू ही आपको पहली स्ट्रेटजी की फैसिलिटी मिलेगी आल एक चीज बता दूं यदि आपने एट द रेट इनहेरिटेंस में सिंगल टेबल मेंशन नहीं किया हुआ है तो बायफॉल ये सिंगल टेबल वाली ही स्ट्रेटजी यूज करेगा बट देन ऑन यू मेंशन इट मैं नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वट वन मोर थिंग यू हैव टू डू हियर इज दैट जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे टेबल तो एक ही क्रिएट होगा और आ, सभी बीन क्लासेस की प्रॉपर्टी के लिए कॉलम उसी में रहेंगे तो फिर वहां पे करने के लिए कि कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड या रो किस ऑब्जेक्ट को बिलोंग करेगा किस बीन क्लास के ऑब्जेक्ट को बिलोंग करेगा उसके लिए एक डिस्क्रिमिनेटर कॉलम की रिक्वायरमेंट होगी तो वो डिस्क्रिमिनेटर कॉलम आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा तो उसके लिए भी एक अनोटेशन यूज करें दैट इज एट द रेट डिस्क्रिमिनेटर कॉलम ओके okay? और एट द रेट डिस्क्रिमिनेटर कॉलम अनोटेशन में इसका पहले आप नाम स्पेसिफाई कर दो यूजिंग नेम एट्रीब्यूट सो नेम में सपोज मैंने दे दिया टाइप नेक्स्ट इज यहां पे आपको इसका टाइप क्या रखना है वो भी मेंशन कर सकते हो सो डिस्क्रिमिनेटर टाइप और यहाँ पे फैसिलिटी है आप कैर टाइप का रख सकते हो इंटीजर टाइप का रख सकते हो स्ट्रिंग टाइप का रख सकते हो यदि आपने डिस्क्रिमिनेटर टाइप मतलब आ, कॉलम का टाइप ओके okay? डेटाबेस में जो कॉलम बनेगा उसका टाइप नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही रहता है ना तो भी मैं यहां ले लू ये मैंने डिस्क्रिमिनेटर टाइप डॉट स्ट्रिंग मतलब जो टाइप कॉलम बनेगा जो कि एक डिस्क्रिमिनेटर कॉलम है उसमें जो वैल्यू जाएगी वो स्ट्रिंग टाइप की यानी बेरकै टाइप की होगी तो हमने मेंशन कर दिया नहीं करोगे तो भी स्ट्रिंग टाइप का रहेगा दिस इज व्हाट यू शुड रिमेंबर फाइन सो ये दो अनोटेशन हमें पहली जो सुपर क्लास है अपनी एम्प्लॉय सुपर क्लास उसमें लिखने पड़ेंगे नेक्स्ट अब मैनेजर क्लास पे आते हैं वेरी फर्स्ट इसको हाइबरनेट एंटिटी बनाने के लिए एट द रेट एंटिटी आप लिखें एट द रेट एंटिटी के बाद में यहाँ पे एट द रेट टेबल नहीं लिखना है टेबल एक ही बनेगा जो कि हमने एम्प्लॉय क्लास के साथ में लिख दिया है ओके तो यहाँ पे टेबल नहीं लिखना है सिर्फ एट द रेट एंटिटी बट मैनेजर का ऑब्जेक्ट जब स्टोर होगा तो डिस्क्रिमिनेटर कॉलम के लिए वैल्यू क्या होगी वो आपको मैंशन करना पड़ेगा दैट इज यूजिंग डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू डिस्क्रिमिनेटर कॉलम हमने सुपर क्लास एम्प्लॉय में लिखा हुआ है Type. तो मैनेजर के केस में उसके लिए वैल्यू क्या होगी वो आपको यहाँ पे करना बता ये भी है. यदि आपने नहीं लिखा तो डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू बाय डिफॉल्ट वही होगी जो बीन का नाम है यानी हमारे केस में यहाँ पे मैनेजर हो जाएगा बट मैं एमजीआर रखना चाहता हूँ इसलिए मैंने रेट डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू में एम लिख दिया फाइन दिस इज वॉट वी हैव टू डू हियर बाकी कॉलम के नेम में बीन प्रॉपर्टी के नेम डी और टी ए के जैसे ही रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं रेट कॉलम वगैरह यूज नहीं करूंगा नाव ओपन क्लर्क डॉट जावा इसको भी हाइबर नेट बीन बनाने के लिए यहाँ पे लिख दें एट द रेट एंटीटी एंड नेक्स्ट यहाँ पे भी हमको डिस्क्रिमिनेटर कॉलम की वैल्यू स्पेसिफाई करना है सो राइट डाउन इट डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू और क्लर्क के लिए मैं डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू देना चाहता हूँ लेटेस्ट है सी एल आर तो मैंने यहाँ पे सी एल आर दे दिया फाइन बाकी चीजें एज इट इज रखना है कॉलम नेम अपने एच आर -E रखना है सो डोंट डू एनीथिंग नाउ बीन क्लासेज आर रेडी उसके बाद मैं, .cfg में हबे डॉट सी एफ जी में देखें इनको हमको बीन क्लासेस को लिखना पड़ेगा सो मैपिंग क्लास एम्प्लॉय ऑलरेडी लिखा हुआ है अब हम मैनेजर की एंट्री कर दें सो मैनेजर की एंट्री हमने यहाँ पे कर दिया की भी एंट्री कर दें सो so, एंट्रीज हमने एच बी एम टू डी डी एल स्कीमा को क्रिएट रखूंगा सो दैट टेबल क्रिएट हो जाए तो ये so, हमने क्रिएट यहाँ पे मेंशन कर दिया नाउ कम टू द मेन क्लास मेन क्लास पे वापस आते हैं एंड हियर मैं दोनों के ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा मैनेजर के भी और क्लर्क के लिए भी तो मैनेजर एम इक्वल न्यू मैनेजर आईडी दे दे यहाँ पे वन लेटेस्ट सपोज मैंने नाम दिया राम एंड देन सेलरी वैल्यू स्पेसिफाई कर दें यहां पे उसके बाद में डीए की वैल्यू भी यहीं से स्पेसिफाई कर दें उसके बाद में टीए की वैल्यू स्पेसिफाई कर दें क्लर्क का ऑब्जेक्ट भी एक बनाई लेते हैं सो so, क्लर्क clerk... पैरामीटराइज कंस्ट्रक्ट को यूज करके बनाएंगे टू नेम लिख दें कुछ रामा सपोज मैंने लिखा सेल मेंशन कर दें एचआरई की वैल्यू प्रोवाइड कर दें नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सेव मेथड कॉल करें मैनेजर का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करें सेव मेथड अगेन कॉल करें और क्लर्क का ऑब्जेक्ट दे दें फाइन सो ना हो हमने मैनेजर और क्लर्क दोनों के ऑब्जेक्ट को सेव कर दिया सो लेटेस्ट रन देशन ना हो राइट क्लिक रन एस जावा एप्लीकेशन ओके लुक द टेबल इज क्रिएटेड एंड इंसर्ट क्वेरी इज रिटर्न ओके इंसर्ट क्वेरी भी लिख दिया है हम एक काम करते हैं एक बार और कुछ रिकॉर्ड को सेव कर दें एंड देन वी विल चेक वॉट इज गोइंग ऑन इन द डेटा बेस सो उसके लिए सबसे पहले सी एफ जी फाइल में डी डी एल स्कीमा को आप कर दें अपडेट एंड देन मेन क्लास में यहाँ पे दें आई डी नंबर थ्री और इसमें आईडी नंबर दे देते हैं फोर है ना और प्रोग्राम को एक बार और रन कर दें रन जावा एप्लीकेशन ओके okay, तो दो रिकॉर्ड और इंसर्ट हो गए नाउ चेक द डेटाबेस सो डेटाबेस में आते हैं वेरी फॉर सो टेबल्स एंड जस्ट लुक हियर ओनली वन टेबल इज क्रिएटेड एक ईएमपी टेबल बना हुआ अपने मास्कल डेटाबेस में नेक्स्ट uh, इज uh, इसका रिकॉर्ड सेलेक्ट करके देखें तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी डिस्क्रिमिनेटर कॉलम है वो आ गया देखो उसमें बराबर वैल्यू जो है मैनेजर के लिए एमजीआर क्लर्क के लिए सी एल आर एम जी आर सी एल आर लिखा हुआ है आई डीज आ गए तो आई डी नेम से जो कि एम्प्लॉय प्रॉपर्टी के करस्पॉन्डिंग है देन डी ए टी ए जो कि मैनेजर के करस्पॉन्डिंग है और एच आर ए क्लर्क के करस्पॉन्डिंग तो सभी के लिए कॉलम uh, जो है एक ही टेबल में क्रिएट हुए रिकॉर्ड uh, भी देख लें बराबर uh, यदि मैनेजर का रिकॉर्ड है तो टाइप एम है और उस केस में डी uh, ए टी ए की वैल्यू तो एच आर है ओके okay? और यदि रिकॉर्ड जो है क्लर्क है तो टाइप में सी एल आर आ गया बराबर डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू एंड उस केस में डी ए और डी ए यहाँ पे देखें नल uh, है जबकि एच आर की वैल्यू आ चुकी है सो so, इस तरीके से सभी जो इनहेरिटेंस के अंदर बीन क्लासेस है उनकी प्रॉपर्टीज जो है एक ही टेबल में आ रही है है ना कॉलम्स एक ही टेबल में क्रिएट किए हुए अब जब रिकॉर्ड सेलेक्ट करना हो तो देखें कैसे क्या होगा वेरी so इंटरेस्टिंग क्योंकि अब तीन बीन क्लासेस है तो रिकॉर्ड कैसे क्या कैसे होंगे सो लेट लेटेस्ट सपोज हमें मैनेजर के रिकॉर्ड सेलेक्ट करने तो मैनेजर के केस में जो कि ये सुपर क्लास है तो सभी रिकॉर्ड सेलेक्ट so तो तो हो जाएंगे जस्ट लुक हियर मैं क्वेरी uh, यूज करूंगा यहाँ पे सो so क्वेरी मैंने यूज किया क्यू इक्वल एस डॉट क्रिएट क्वेरी और यहाँ पे हमने लिखा फ्रॉम एम्प्लाई फ्रॉम एम्प्लाई मतलब एम्प्लाई के रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड इज द सुपर क्लास है ना एम्प्लाई सुपर क्लास तो सभी रिकॉर्ड सेलेक्ट होंगे मैनेजर के भी और क्लर्क के भी देखें तो so, यहाँ पे मैंने लिखा लिस्ट ऑफ एम्प्लाई टाइप एल एस टी इक्वल क्यू डॉट लिस्ट नाउ सो द रिकॉर्ड एल एस टी डॉट फॉर इच एन देन यहाँ पे हमने लिखा ईयली सिस्टम डॉट डॉट पेंट इन में रिकॉर्ड को हम डिस्प्ले करवा रहे सो यू रन द प्रोग्राम रन एस जावा एप्लीकेशन एंड लिखियर सिलेक्ट क्वेरी जब फायर हुई तो उसमें जो रिकॉर्ड सेलेक्ट हुए फ्रॉम ई एम पी और जो रिकॉर्ड सेलेक्ट हुए हैं वो मैनेजर और क्लर्क दोनों के रिकॉर्ड सिलेक्ट हुए यहाँ पे ध्यान देना डिस्क्रिमिनेटर प्रॉपर्टी जो है डिस्क्रिमिनेटर uh, कॉलम जो है वो हमने अलग से क्रिएट किया हुआ है डिस्क्रिमिनेटर कॉलम चाहे तो सुपर क्लास की प्रॉपर्टी भी हो सकता है बट हमारे एग्जाम्पल में हमने क्या किया हुआ है डिस्क्रिमिनेटर कॉलम को एक्स्ट्रा अलग से लिया हुआ है तो फिर रिकॉर्ड यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा बट यदि आप डिस्क्रिमिनेटर कॉलम uh, कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को लोगे तो फिर उसका रिकॉर्ड सिलेक्ट होकर आएगा ओके दैट इज नॉट द पॉइंट पॉइंट इज वॉट ऑल द रिकॉर्ड्स आर सिलेक्टेड ओके नेक्स्ट थिंग यदि इसी क्वेरी में मैंने यहां फ्रॉम एम्प्लॉय की जगह फ्रॉम मैनेजर लिख दिया फ्रॉम मैनेजर इज रिटर्न तो मैनेजर के रिकॉर्ड सिलेक्ट होंगे यहां पे मैं मैनेजर लिख भी दूलुखियर तो बराबर वेयर क्वेरी आ जाएगी और मैनेजर के जो रिकॉर्ड्स है वो सिलेक्ट हो जाएंगे सो रन द एप्लीकेशन रन एजर एप्लीकेशन लेक्ट एंड द गुड पार्ट इज वॉट देखो सिलेक्ट फ्रॉम पीज ओके बट यहाँ पे टाइप इक्वल एम जी आर लिखा हुआ बराबर है ना अपने आप अप लिख दिया हाइबर नेट ने एंड मैनेजर के जो दो रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किए थे वो सिलेक्ट होके आ गए सेम थिंग यदि क्लर्क लिखोगे फ्रॉम क्लर्क सो ऑटोमेटिकली टेबल में से वही रिकॉर्ड सिलेक्ट होंगे जो क्लर्क को बिलोंग करेंगे फ्रॉम क्लर्क सो क्लर्क रिकॉर्ड सिलेक्ट हो जाएंगे ओके okay. सो so, मैंने फ्रॉम क्लर्क लिखा लिस्ट ऑफ क्लर्क हमें गेट होगा बाकी कोड एज इट इज सो रन एज आवर एप्लीकेशन एंड लुक हियर सिलेक्ट क्वेरी इज रिटन वेयर कंडीशन में बराबर टाइप इक्वल सी एल आ गया लुक हियर है ना एंड क्लर्क रिकॉर्ड जो है टू और फोर रामा शिवा है ना वो सिलेक्ट होके आ गए सो दिस इज व्हाट अबाउट द वेरी फर्स्ट स्ट्रेटजी दैट इज योर टेबल पर क्लास हैरार की ओके अदर क्वेरीज यदि आपको फायर करनी है जैसे कुछ डिलीट करना है अपडेट करना है या कोई और क्वेरी आपको लिखना है बिल्कुल एज इट इज़ लिख सकते हो जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किए हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो